नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइफ चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल 8/8/2023 से लाइन गेट पोर्टल ओपन हो गया है। इस पोर्टल की जो एनर्जी है वो बहुत ही हैवी है। जब भी किसी पोर्टल के ओपन होने के बाद जो एनर्जी फील होती है वो हमें बहुत डिफरेंट फील होती है। हर पोर्टल अपनी एक एनर्जी लेकर आता है। कभी वो डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में हमारे लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स होती हैं और कभी बहुत हैवी एनर्जी होती है। इस टाइम जो एनर्जी मैं कल से सेंस कर पा रही हूँ वो बहुत ही हैवी एनर्जी है। इतनी हैवी कि आप लोग इस एनर्जी के बाद से मीन्स लाइन गेट पोर्टल ओपन होने के बाद से एक डीप पेन वाली एनर्जी, एक अग्रेशन वाली एनर्जी फील कर रहे होंगे। रीज़न आपको नहीं समझ में आ रहा होगा और जो लोग एनर्जी सेंस कर पाते हैं उन्हें हार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, इवन कि मैं कहूँ कि पेन, उनको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। और जब ऐसे कभी सिम्टम्स आते हैं और हम चेकअप कराते हैं तो मेडिकल कोई इशू नहीं निकलता। पहले जब मेरे साथ ये सब होता था तो मुझे समझ नहीं आता था। धीरे धीरे पता चला कि मैं यूनिवर्सल एनर्जी रीड कर पाती हूँ, सेंस कर पाती हूँ और इसीलिए मुझे मेरे मूड में ये स्विंग्स होते हैं। और इन्हीं सभी को समझते हुए मैंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट किया, इनर वर्क स्टार्ट किया। मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आप इन एनर्जीज़ को रीड करने में, समझने में और अपनी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत इजी हो पाते हैं। मीन्स मेडिटेशन आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देता है। आप इन एनर्जीज़ को समझकर, रीड कर अपने आप को बैलेंस करना धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली एनर्जी अपडेट्स मैं डालना पसंद नहीं करती जब तक कि मुझे अंदर से एक बहुत ज़्यादा पुल महसूस ना हो। जैसे कि इस टाइम की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी है और पिछले हफ्ते से मुझे एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि किसी भी पोर्टल की एनर्जी मुझे पहले से ही पिक होनी स्टार्ट हो जाती है। एक एनवायरनमेंट में अजीब सा एग्रेशन है, लोगों के मनों में, मस्तिष्क में एक अजीब सा गुस्सा, एक फियर और एक एंग्जाइटी है जो सरफेस पर धीरे धीरे आ रही है। ये सन से आने वाली फ्लेयर्स की वजह से भी है कि अर्थ इतनी एक्सेस में इन फ्लेयर्स को रिसीव कर रही है, इस एनर्जी को रिसीव कर रही है, इसीलिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है। हालांकि इन फ्लेयर्स के आने का रीज़न बहुत डिफरेंट है और इतना डिटेल में मैं सिर्फ ग्रुप में ही डिस्कस करती हूँ, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा एनर्जी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आखिर ये यूनिवर्स में हो क्या रहा है। क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल रीडर्स हैं या मैं कहूँ डिवाइन सोल्जर्स हैं जो यूनिवर्स के लिए वर्क करते हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जी को रीड करते हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस को डिलीवर करते हैं, जिनके पास वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जिन्हें धीरे धीरे वो यूज़ करना सीख जाते हैं, वो इन एनर्जीज़ को कंट्रोल करना और बैलेंस करना भी सीख जाते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है वो ज़रा नोटिस करे अपने बिहेवियर को कि कहीं आपके बिहेवियर में अचानक से आपके इमोशंस इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अनजाना सा अग्रेशन तो नहीं हो रहा है आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के बिहेव में आसपास। अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा पेशेंस से आपको इसको कंट्रोल और हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो ड्वैलिटी की एनर्जी है। इवन कि क्रोप साइकल्स में इन एनर्जीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन
पहले ही दी जाती है, लेकिन क्रोप साइकिल्स को डिकोड करना इजी नहीं होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। वहाँ भी ये ही एनर्जी क्रोप साइकिल्स में काफ़ी पहले सेंड की गई थी यूनिवर्स की तरफ से। उस में अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो क्रोप साइकिल हैं उसमें एक डमरू की शेप वाली क्रोप साइकिल है, और ये फिगर सारी हिडन होती हैं, वो आपको खुद डिकोड करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक क्रोप साइकिल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। यहाँ मैं क्रोप साइकिल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, बस इतना कह रही हूँ कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो ड्वेलिटी वाली एनर्जी है, मीन्स एक तरफ पीस एंड हम्बल वाली एनर्जी और एक तरफ अग्रेशन वाली एनर्जी। तो अब आपके ऊपर है कि आपको बैलेंस कैसे करना है, ना तो ऐसा हो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दे, और ना ही ऐसा कि आप खुद परेशान हो जाएं या आप दूसरों को परेशान करें, क्योंकि हम लोगों को ये सारी जो एनर्जीज रीड करना सिखाया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, वो इसीलिए सिखाया जाता है कि उन लोगों को गाइड कर पाएं जो इन एनर्जीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर अचानक से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है या आपको कोई नोटिस करा रहा है, तो एक्चुअल में वही हो रहा है, अपने बिहेवियर को और अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को देखो और बैलेंस करने की कोशिश करो। अननेसेसरी किसी भी चीज़ के ऊपर गुस्सा नहीं करना। इस टाइम की एनर्जी की वजह से आपको हार्ट में पेन, आपको माइग्रेन, सर में दर्द, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको बिना किसी कारण किसी के भी ऊपर गुस्सा आ सकता है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और जो ये हार्ट में हैवीनेस फील हो रही है उसे भी इजी बनाना है। जब भी गुस्सा आता है तो वो हेट की एनर्जी होती है, और हेट की एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए आपको लव की एनर्जी चाहिए होती है। तो आप अपनी उस वाली एंगर वाली एनर्जी को लव एंड पीस, लव एंड लाइट वाली एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए, चाहे वो आपकी खुद की एनर्जी हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस की एनर्जी हो, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस अब वर्ल्ड में होने वाले हैं, एनवायरनमेंट में होने वाले हैं। पर इन चेंजेस के बारे में बता के मैं आपको कोई डराना नहीं चाह रही, बस एक छोटी सी गाइडेंस है कि अपने आसपास अवेयरनेस रखें, जितना हो सके हम्बल और पीस में रहें, काम रहें। अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो रही है, तो भी पेशेंस रखें। धीरे धीरे ये एनर्जी जब एब्जर्व हो जाएगी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और आप न्यूट्रल हो जाएंगे। मीन्स ये धीरे धीरे जब एनर्जी आपके शरीर में घुल मिल जाएगी तो आप इस ऊर्जा को समाहित करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन जब तक ये एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, तब तक आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है, लिक्विड बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, और इस टाइम आपके फिज़िकल बॉडी में चेंजेस आ रहे होंगे, उन चेंजेस को भी नोटिस करने की ज़रूरत है। और मेनली जो हेयर फॉल आपको हो रहा है, उस हेयर फॉल का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऑयल्स को यूज़ करना है जो आपके माइंड को कूल रखें, साथ ही साथ आपकी जो हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर पाएँ और ग्रोथ में हेल्प करें। जब भी किसी पोर्टल की एनर्जी रिसीव होती है तो ये सिम्टम्स होते ही होते हैं, और जो लोग एनर्जी रीड कर पाते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता, मेरी तरह, जैसे पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, उनके साथ ये सिम्टम्स या एनर्जीज और फास्टली वर्क करती हैं। और यही रीज़न है कि इस पोर्टल में मैं वही डालना पसंद करती हूँ जो एनर्जी मैं खुद रिसीव करती हूँ, और उससे मुझे लगता है कि अगर मेरी एनर्जी रीडिंग से किसी को हेल्प हो सकती है तो वो हेल्प हो पाए। मेरे पास व्यूअर्स के एनर्जी से रिलेटेड फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लिक्विड बहुत ज़्यादा पीना है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट, जिन भी
फूड्स में है उन्हें थोड़ा सा कम लें, और जहाँ तक हो सके अपने आप को शांत एंड काम रखने की कोशिश करें, पीस में रहने की कोशिश करें। आप इस एनर्जी को कुछ म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनकर भी बैलेंस कर सकते हैं। सिंगिंग बॉल की एनर्जी भी आपको बहुत बैलेंस करती है, और नहीं तो मेडिटेशन तो बेस्ट है ही। कोई स्मूदिंग सा म्यूज़िक लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो मेडिटेशन है उसकी एनर्जी भी बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आज मॉर्निंग में ही मैं मॉर्निंग मेडिटेशन कर रही थी, तो मैंने ये देखा कि जो सन की एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये प्रैक्टिस हर कोई ना करे, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि हर कोई इस प्रैक्टिस को नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग एनर्जीज़ को रीड करना जानते हैं, मॉर्निंग सन मेडिटेशन करते हैं, और सन की रेज के बावजूद सन को लाइक अ मून की तरह देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए सब इस प्रैक्टिस को ना करें, तो वो लोग ये देखेंगे कि जैसे ही वो सन को देख रहे हैं तो अब उनको वो 7 कलर्स नज़र नहीं आएंगे, और ये यूनिवर्स का साइन है कि हाँ, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है। आपको सन का दूसरा कलर सिर्फ और सिर्फ मेनली ब्लू ही नज़र आएगा। और ये मॉर्निंग में मैं शॉक्ड हो गई, ये 2 दिन से मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सन की वो एनर्जी अब नहीं है जो पहले हमें रिसीव होती थी। इसका रीज़न अभी मुझे नहीं पता, मेडिटेशन में अगर कभी मुझे कुछ इस बारे में पता चला तो मैं बिल्कुल अवेयर करूँगी। हाँ, मुझे कल के मेडिटेशन में 88 पोर्टल में एक वर्ड बोला गया है, उसका नाम है पुंडरपुर। मैं इस प्लेस को नहीं जानती थी कि पुंडरपुर क्या, लेकिन जब मैंने इस वर्ड के बारे में मुझे मेडिटेशन में पता चला और अपने ग्रुप में इस चीज़ को डिस्कस किया, तो पता चला कि जो पुंडरपुर है वो महाराष्ट्र में है, इवन कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल पोर्टल है। अब पूरा मैसेज अभी मैंने डिकोड नहीं किया है, सिर्फ इतना समझ में है कि हाँ, वहाँ से रिलेटेड कुछ है। वहाँ जाना है, क्या करना है, या वहाँ कुछ होना है, हो रहा है, इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। अगर इस वर्ड को सुनकर किसी को भी इस रिलेटेड एनर्जी रिसीव होती है, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू मुझसे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। लेकिन जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है पुंडरपुर, और वो इस एनर्जी को अनलॉक कर पाता है, तो उस मैसेज को बाकियों की हेल्प के लिए भी स्प्रेड करें। जितना मुझे पता चला उतना मैं बता रही हूँ कि पुंडरपुर में एक स्पिरिचुअल पोर्टल है और वो ओपन हुआ है। वो पोर्टल मोक्षा पोर्टल कहा जाता है, और वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल है। जिसका भी अगर मन हो इन डेज में वहाँ जाने का, उस एनर्जी को फील करने का, तो वो वहाँ जाकर उस एनर्जी को रिसीव कर सकता है। हालांकि ये जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक तरीके से ही रिसीव होती है, लेकिन अगर कोई पोर्टल खुलता है और अगर किसी प्लेस के बारे में पता चलता है, तो उस प्लेस पर जाकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर ये मैसेज कोई नियर बाय पुंडरपुर रहता है, उसे रिसीव हो रहा है, तो आप इस एनर्जी को जाकर वहाँ पर पुंडरपुर में एक मंदिर है, विट्ठला मंदिर, आप वहाँ जाकर इस एनर्जी को, इस पोर्टल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज हो कि आपको वहाँ जाना है, क्योंकि जैसे जून में मेरे साथ हुआ था, और अचानक से प्लान बना था हिमालय जाने का, श्रीनगर जाने का, और वहाँ जाकर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई। उसके बाद मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हुए, और एक्चुअल में मैट्रिक्स की नॉलेज क्या होती है मुझे श्रीनगर से आने के बाद ही समझ में आई है। तो ये जो पोर्टल्स होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, इसे इन्हेंस कर सकें और आपको न्यू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल सकें। डोंट नो मुझे कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसा कि मैं करती हूँ।
फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि ये जो एनर्जी है थोड़ी हैवी एनर्जी है। जब भी कभी हैवी एनर्जी आती है तो हमें पेशेंस से काम लेना होता है। तो आप सभी लोग पेशेंस से काम लेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और सामने वाला जो कह रहा है उससे नाराज़ या गुस्सा होने की बजाय उसे सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके पेशेंस दिखाने से वो जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए, और जो आपके रिश्ते उस टाइम दूसरी साइड जाने वाले हैं वो उधर ना जा पाएँ, लव एंड पीस की एनर्जी में रहें, और कुछ टाइम बाद आपके रिश्ते में एक डिफरेंट ही हार्मनी क्रिएट हो जाए। इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए इस एनर्जी का भी दिल से स्वागत कीजिए और इस हैवीनेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।